राम राम जी सभी को। मैं हूँ एसडी चौधरी, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर। और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गई, क्योंकि पहले तो भाई चलाता था, अब वो ड्यूटी पर गया तो उसके चैनल को मैं ही संभालूंगी। पर मैं भी चली जाऊंगी 5-7 दिन बाद में, अपनी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी अपनी नौकरी करने। और पर मैंने सोचा कि बाद में पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इस तरीके से खेतों में आने का और इस तरीके से फसलें देखने का। तो वहाँ पे मम्मी पापा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए चाय बना के लेके आई थी। उसके बाद मैंने सोचा घूम लूँ, एक आध वीडियो बना लूँ जो फिर आप लोगों को दिखाना भी था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे कुएं में कितने अच्छे अच्छे घोंसले बना रखे हैं चिड़िया ने। तो यहाँ पे 4 घोंसले बना रखे हैं, उसमें से एक तो ये नीम के पेड़ पे, 2 तो नीम के पेड़ पे लटके हुए हैं। और वो वाला देखो, इसमें ये 2 तो नीम के पेड़ पे लटके हुए हैं और वो एक छोटा वाला ना लास्ट में उधर वो एक छोटी सी बेल पे लटका हुआ है। वो बेल जब तक बारिश का पानी मतलब उसको मिलेगा तब तक तो वो हरी रहेगी, अदरवाइज वो सूख जाएगी। और जब वो सूख जाएगी तो उसमें जो वजन रहेगा उसकी वजह से वो टूट के नीचे गिरेगा। और एक इधर ये वाला देखो, बेल के सहारे उसने कितना बड़ा घोंसला बना रखा है उस छोटी सी बेल के सहारे। तो ये घोंसले लटकते हुए इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सांप वगैरह कोई भी जो जानवर होते हैं वो इन घोंसलों में नहीं घुसे और इनके अंडे नहीं खाए और उनके चूजे भी नहीं खाए। इस चक्कर में चिड़िया में दिमाग तो बहुत होता है, इसलिए वो इस तरीके से लटकते हुए घोंसले बनाती है। आप देखो कितने सुंदर सुंदर घोंसले बना रखे हैं, मतलब अपन इंसान हो के हाथों से इस तरीके की चीज़ें नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। और वो वाला देखो, वो इतना बड़ा है, मतलब जो आपको वो वाला घोंसला दिख रहा हो ना उधर, वो वाला। तो मैं इनको देखने लग गई। और ये छोटा सा पीपल का पेड़ देखो कहाँ पे निकला है, इतना छोटा सा है पर इतना खूबसूरत है ये। तो ये मैं देख ली, अब मैं ज़्यादा कुएं के पास भी नहीं जाऊँगी, नहीं तो मेरा फ़ोन तो चला ही जाएगा किसी भी काम से। और एक चीज़ और नोटिस करने लायक है, जो कुएं की वो वाली पट्टी लगी हुई है ना पत्थर की, उसको देखो उस पर किस तरीके से उसको भी उन लोगों ने डिजाइन करके लगाया हुआ है अच्छे से ताकि सुंदर लगे। इसको तो बोलते हैं, कुएं के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो मैं बता देती हूँ, इसको बोलते हैं पारा। ये पारा है और इसमें जो अंदर वहाँ बैठने की जगह होती है, इसमें तो है ही नहीं, पर इसमें नहीं है, थोड़ा पास ले जाकर दिखा देती हूँ आपको इसमें क्या क्या है। इसमें वो नहीं है, बछड़ी वगैरह नहीं है, जिसको बीच में बैठने की जगह होती थी उसको बोलते थे, इसमें नहीं है। इसमें कबूतर दिखेंगे आपको। और ये देखो ईंटें ख़राब हो गई, ये ईंटों से बना हुआ कुआ है, पूरा कुआ ईंटों से बना हुआ है, वहाँ तक पूरा देखो लास्ट तक आपको ईंटें दिखेगी। इसमें ईंटों से बना हुआ कुआ है, उस ज़माने में लोगों ने इतनी मोटी मोटी ईंटें बनाई थी। इसको बोलते हैं पारा, ये पारा दिख रहा है आपको, इसको पारा बोलते हैं, इसको पारा बोलते हैं, उसको बोलते हैं जहाँ से मतलब इस साइड से पानी निकालते थे। मैं आ गई यहाँ पे, इस साइड से देखो इसको इतना ऊंचा रखते थे, वहां से जो आपको पट्टी वगैरह दिख रही है उधर, अब दिख नहीं रही खास में, वहां से उसको बोलते थे ढाणा, और ढाणे में पानी आता था। और इधर से देखो यहाँ पे इन्होंने वो बना रखी है पानी जाने की, ये पत्थर लगे हुए देखो, ये पत्थर लगे हुए, इस पत्थरों के सारे सारे उधर से पक्का वाला बना रखा था रास्ता जिससे पानी जाता था उधर साइड में। और यहाँ पे जो ढलान है, ये ढलान क्यों है, ये वाला ढलान क्यों है, ये ढलान क्यों है, क्योंकि इधर भी देखो, इधर भी खेत में भी ढलान है। जो बैल होते थे ना वो वहाँ से ढलान में आसानी से खींच लेते थे पानी को, उस टाइम पर लाव चढ़ से पानी निकालते थे, इसलिए इस ढलान से बैल आसानी से पानी निकाल लेते थे और कुएं से पानी आसानी से निकल जाता था। उस टाइम पर तो यही सोर्स था पानी निकालने का। उसके बाद में इंजन आए, अब कुएं में पानी नहीं रहा, लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। इस चक्कर में कुएं की वैल्यू कम हो गई, ट्यूबवेल हो गए और फिर बिजली हो गई, तो बिजली कनेक्शन से आजकल वो चीज़ें होने लग गई, इसलिए कुएं की वैल्यू नहीं रही। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमने पानी निकाल निकाल के पानी तो ख़त्म कर दिया ज़मीन में, पानी है नहीं इनमें, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ बारिश की खेती है। यहाँ पे तो हम तो सरसों जोगों वाली खेती भी करेंगे, इन पूरे खेतों में करेंगे, पर उसके लिए पानी आएगा हमारे उस साइड में इस मकान के पीछे, ये मकान जो दिख रहा है इसके पीछे की साइड में अपना कुआ है दूसरा वाला और ट्यूबवेल है, वहाँ से यहाँ पे पानी आता है, उससे करेंगे हम यहाँ पे खेती। तो आज का वीडियो कैसा लगा बता देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके, क्योंकि ये राजस्थान है और यहाँ पे आपको इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, ये मिल रही है यही काफ़ी है।
अब दूसरा वाला वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए बाय।